नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश मारवा आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि शायद ये आजकल की लाइफ में ऐसा कोई घर हो जहाँ पे आपको ये बीमारी ना सुनने को मिलती हो, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, या कि आम भाषा में लोग कहते हैं कि हमें बीपी की दिक्कत हो गई। बीपी की दिक्कत को आजकल एक साइलेंट किलर भी माना जा रहा है, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें बीपी है। इसलिए हमें रूटीन चेकअप में अपना हाई ब्लड प्रेशर ज़रूर एक बार चेक कराते रहना चाहिए। जिन लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा ख़राब है, ख़राब मतलब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने में परहेज नहीं है, सोने उठने का टाइम नहीं है, स्मोकिंग ज़्यादा है, अल्कोहल की हैबिट ज़्यादा है, या कोई भी और किसी चीज़ का नशा करते हैं, उन लोगों को अपना एक बार जाके किसी भी डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि आज तक पता ही नहीं होता कि हमें बीपी है भी या नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम होम्योपैथी में इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास होम्योपैथी में जो कि इसको कंट्रोल कर सकती हैं, बट मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि एक एडल मार फार्मा का एक प्रोडक्ट आता है, एडल नंबर 8। ये एक प्रोडक्ट है फॉर हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है या बॉर्डर लाइन में रहता है, तो आप इसको एक कॉन्टीन्यूस यूज़ में ले सकते हैं। इसकी 10-15 बूंदें सुबह और शाम पानी के साथ लेना स्टार्ट करें। फिर भी इससे भी बीपी अगर कंट्रोल नहीं होता तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट हमने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि काफ़ी पेशेंट्स को इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लोग लगातार ले रहे हैं। कईयों की तो एलोपैथिक मेडिसिंस भी छूट गई हैं ये दवा लेने के बाद, पर इसको लेना लगातार पड़ता है बिकॉज बीपी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए मैं ये सबको कहता हूँ कि एडल नंबर 8 को थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे लीजिए सुबह और शाम, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा हेल्दी के लिए आप लेके जाइए। इसके अलावा किसी भी और अन्य जानकारी के लिए, बीपी संबंधित या हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे दिए गए नंबर्स या ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।